वाइल्ड कार्ड कभी जीता नहीं है, तो ये बिग बॉस की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा कि वाइल्ड कार्ड इंसान जीत गया। नहीं था वो, ऐसा बोला ही नहीं था, मैंने बोला उंगली करोगे तो मैं पूरा हाथ करूंगी, ये बोला था। तो किसके लिए था आपको नहीं पता? अच्छा, सबको पता है। अभी क्या सिस्टम मतलब एक पता नहीं फेमस हो गया है सिस्टम, पता ही नहीं। बहुत बड़ा यूट्यूबर है हरियाणा का, यस। तो वो फेमस है ऑलरेडी। तो आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है? देखो, वाइल्ड कार्ड कभी जीता नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वाइल्ड कार्ड जीतता है तो ये बिग बॉस की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा कि वाइल्ड कार्ड इंसान जीत गया। और ये बहुत अच्छा भी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो चेन होती है उसको ब्रेक करना भी बहुत जरूरी है। तो मैं तो चाहती हूँ कि अल्पेश यादव जीते, बट अभिषेक की भी जीतने के चांसेस। हाँ, अभिषेक की भी ये चांसेस है, बट नहीं, मैं ब्रेक की बात कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि विनर अगर कोई बने तो अल्पेश यादव और अपना अभिषेक और मनीषा में से कोई एक बने, और मनीषा अगर जीती तो उसके लिए भी चेन ब्रेक है, क्योंकि कहते हैं कि कॉमेडियन कभी जीत नहीं सकता। तो ये नेगेटिव थॉट है लोगों का, क्या कॉमेडियन को सिर्फ हंसी मजाक करने के लिए बुलाया जाता है, ये तो गलत है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, मनीषा को भी जीतना चाहिए, और ये जो कड़ी है उसको ब्रेक करना चाहिए, कि लोगों को एक पॉजिटिव थॉट आए कि भाई कॉमेडियन भी बिग बॉस जीत सकता है, क्योंकि वो अपना पूरा एफर्ट डालता है लोगों को हंसाने में, लोगों को हर चीज़, कभी कभी वो पागल भी बनता है, पागल बनाता भी है। और मुझे ऐसा लगता है कॉमेडियन बहुत मेहनत करता है, तो उसका भी फर्ज बनता है वो ट्रॉफी लेने में। तो मुझे ऐसा लगता है स्टोरी डाला था, अभी आपने स्टोरी डाला था कि उंगली करोगे तो उंगली तोड़ दूंगी, किसके लिए था वो? ऐसा बोला ही नहीं था, मैंने बोला उंगली करोगे तो मैं पूरा हाथ करूंगी, ये बोला था। तो किसके लिए था आपको नहीं पता? सबको पता है। अभी क्या कंट्रोवर्सी हो गया, कंट्रोवर्सी हो गया। सिस्टम मतलब एक पता नहीं फेमस हो गया है सिस्टम, पता ही नहीं। ऑलरेडी वो अल्पेश यादव फेमस है मुझे, यस। बहुत बड़ा यूट्यूबर है हरियाणा का, यस। तो वो फेमस है ऑलरेडी। तो आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है? देखो, वाइल्ड कार्ड कभी जीता नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वाइल्ड कार्ड जीतता है तो ये बिग बॉस की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा कि वाइल्ड कार्ड इंसान जीत गया। और ये बहुत अच्छा भी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो चेन होती है उसको ब्रेक करना भी बहुत जरूरी है। तो मैं तो चाहती हूँ कि अल्पेश यादव जीते, बट अभिषेक की भी जीतने के चांसेस। हाँ, अभिषेक की भी ये चांसेस है, बट नहीं, मैं ब्रेक की बात कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि विनर अगर कोई बने तो अल्पेश यादव और अपना अभिषेक और मनीषा में से कोई एक बने, और मनीषा अगर जीती तो उसके लिए भी चेन ब्रेक है, क्योंकि कहते हैं कि कॉमेडियन कभी जीत नहीं सकता। तो ये नेगेटिव थॉट है लोगों का, क्या कॉमेडियन को सिर्फ हंसी मजाक करने के लिए बुलाया जाता है, ये तो गलत है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, मनीषा को भी जीतना चाहिए, और ये जो कड़ी है उसको ब्रेक करना चाहिए, कि लोगों को एक पॉजिटिव थॉट आए कि भाई कॉमेडियन भी बिग बॉस जीत सकता है, क्योंकि वो अपना पूरा एफर्ट डालता है लोगों को हंसाने में, लोगों को हर चीज़, कभी कभी वो पागल भी बनता है, पागल बनाता भी है। और तो मुझे ऐसा लगता है कॉमेडियन बहुत मेहनत करता है, तो उसका भी फर्ज बनता है वो ट्रॉफी लेने का। तो मुझे ऐसा लगता है स्टोरी डाला था, अभी आपने स्टोरी डाला था कि उंगली करोगे तो उंगली तोड़ दूंगी, किसके लिए था वो? ऐसा बोला ही नहीं था, मैंने बोला उंगली करोगे तो मैं पूरा हाथ करूंगी, ये बोला था। तो किसके लिए था आपको नहीं पता? सबको पता है। कंट्रोवर्सी हो गया, अल्पेश के बारे में कुछ हो गया।